2012 में अर्जुन कपूर ने अपनी मां को खो दिया था। आपको बता दें कि उनके मां का गंभीर बीमारी के चलते देहांत हुआ था। रविवार को मदर्स डे के अवसर पर अपनी मां को याद करते हुए अर्जुन ने अपने सभी फैंस से अनुरोध किया कि वो अपनी मां को इस अवसर पर गले जरूर लगाएं। जी हां, रविवार को एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन काफी भावुक नजर आए। उन्होंने सभी से अनुरोध करते हुए कहा, आई वुड लाइक टू विश एवरीबॉडी अ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द पीपल दैट हैव मदर्स। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें जाके जोर से कस के जाके गले लगाएं और उन्हें थैंक यू करें फॉर ऑल दैट दे डू फॉर यू एंड डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज़ आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी भलाई के लिए आपके बारे में चिंता करते हैं। तो जो कहते हैं उसे सुनिए, उसे समझिए, उन्हें नकारिए मत, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। कहीं ना कहीं दे आर द रीज़न वाई यू विल बिकम व्हाट यू विल बिकम। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल जो आज देख रहे हैं, जाके मेरी तरफ से अपने मम्मियों को गले लगाइए। और बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस गले लगा देना, वो खुद ना खुद समझ जाएंगे। एंड यू शुड ऑल कंसिडर योर सेल्फ वेरी वेरी लकी दैट यू हैव पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स हु केयर फॉर यू एंड वरी अबाउट यू। सो थैंक यू। इंटरव्यू के दौरान अर्जुन ने अपने निजी जीवन और रिलेशनशिप के बारे में भी बात की। उनका कहना था, मैं हमेशा कहता हूँ यू नो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर तैयार होता तो अब तक कोई ना कोई मेरी जिंदगी में होती। जब सही समय आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। दीज थिंग्स कांट बी फोर्स्ड। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, आई हैव गिवन माई वर्क एवरीथिंग। होपफुली आई विल बी मोर स्टेबल एज टाइम कम्स इन द फ्यूचर। आई डू नॉट गो बाय द पब्लिक आई, बिकॉज देखिए आपको जब पर्सनल आपके रिश्ते होते हैं वो तो आपके पर्सनल रिश्ते जरूरी होते हैं, बट आई हैव बीन सो कॉट अप विद वर्क, आई हैव नॉट हैड द टाइम और द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट दैट फाउंडेशन। द वे आई वर्क हार्ड टू क्रिएट दिस वर्क फाउंडेशन, आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव दैट टाइम टू माई पर्सनल लाइफ। बिकॉज ऑल्सो वेन आई स्टार्टेड आई लॉस्ट माई मदर जस्ट एट दैट टाइम, यू नो। तो मैं भागा दौड़ी में कि मैं काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी बिजी, आई वॉन्ट टू बी बिजी, आई वॉन्ट बी बिजी, आई जस्ट केप वर्किंग। एंड देन अब वो एक नशा है, अब वो एक जुनून है। अब क्या है, जब काम नहीं होता तो काम ढूंढने का मन करता है, तो खाली बैठने की आदत ही नहीं रही और वो पसंद नहीं आता है। तो उस चक्कर में क्या है, 5 साल बीत गए पर रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाया, बिकॉज आई ऑलवेज लुक्ड फॉर वर्क मोर देन माई पर्सनल। बट लेट्स सी, लाइफ बहुत लंबी है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, छोकरा अभी जवान है तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। काम की बात की जाए तो अर्जुन बहुत जल्द अपनी आगामी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में नजर आएंगे। इसमें उनके साथ अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी मुख्य किरदार में देखा जाएगा। INS रिपोर्ट।